वेलकम वेलकम गाइस। तो मैं एक न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ और इस वीडियो में मैं बात करूँगा एक न्यू क्वेश्चन के बारे में, एआई रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में, जो है कैन एआई थिंक लाइक ह्यूमन। ठीक है, क्या एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोच सकता है ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह, ये आज का क्वेश्चन। तो इस वीडियो का आंसर, इस वीडियो का जो क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट और जो कंटेंट है ये है, तो इसका जो आंसर मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप बने रहे चैनल पे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैं चैनल में बताता हूँ, डेडिकेटेड चैनल है। मशीन लर्निंग के बारे में बताऊँगा, रोबोटिक्स के बारे में चैनल में फ्यूचर में वीडियोज़ आएगा, और कंप्यूटर साइंस के बारे में भी फ्यूचर में वीडियोज़ आएगा। तो देखिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस का आप क्या कह सकते हो, ह्यूमन का जो माइंड है, ह्यूमन की इंटेलिजेंस देख के ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना है। मैं क्यों ये बता रहा हूँ कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को लगा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्वेंट किया। तो मैं क्या बता, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी ह्यूमन इंटेलिजेंस से होता है और डेटा स्टोर भी। तो आपके पास डेटा नहीं होने से भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो ह्यूमन इंटेलिजेंस से, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब आप डेटा इनपुट दोगे, डेटा स्टोर करोगे एआई पे, उसके बाद उसी तरह का जो क्वेश्चंस है, उसी तरह का जो स्टाइलिश क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर सकते हैं उस डेटा को एनालाइज करके जो उसके पास है। ठीक है, उस डेटा को वो हटा के, उस डेटा को साइज करके, उस डेटा को देख के ही इंटेलिजेंस से आंसर देगा। तो आप इसका जो कंक्लूजन क्या है, तो एआई ह्यूमन की तरह सोच नहीं सकता है, क्योंकि डेटा से चलता है। ठीक है, डेटा से वो इंटेलिजेंस ग्रोन करता है, डेटा पाता है, उसके बाद वो इंटेलिजेंस ग्रोथ करता है। पर जो ह्यूमन ब्रेन का पावर और इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ही अलग तरह के है। तो एआई को मेक करने, इन्वेंट करने की ह्यूमन इंटेलिजेंस ये क्या है, तो ये नहीं रिप्लेस हो सकता है और एआई थिंक नहीं कर सकता है ह्यूमन की तरह। तो ये वीडियो यही तक है। तो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, न्यू वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगा।